हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकिता गुप्ता। वेलकम टू न्यू ईयर जर्नी। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूं, जो इस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समर नाइट स्किन केयर के लिए, जो हर एक गर्ल को या फिर लेडी या फिर वुमेन को स्पेशली फॉलो करना ही चाहिए अपनी फेस की स्किन के लिए, क्योंकि अपनी जो फेस की स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है और इसकी स्पेशल केयर बहुत नीड है। स्किन को बहुत मस्ट है कि वो इस तरीके की केयर अपन उसके लिए करें। तो मैं जो आज आपको रूटीन बताने वाली हूँ वो 100% इफेक्टिव है। उसने मेरे पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था और मैं डैम श्योर हूँ कि वो आप पे भी इतना ही अच्छा रिजल्ट शो करेगा। पर इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ या जिस तरीके से मैंने फॉलो किया, आप भी उसी तरीके से कीजिए। नो चीटिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। तो आप अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो 100% वो आप पे रिजल्ट देगा। हाँ, दिस रूटीन शुड बी एटलीस्ट फॉर 30 डेज, नॉट मिनिमम 15 डेज। एटलीस्ट 15 डेज तो फॉलो करना ही करना, तब आपको रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्लींजिंग। तो चलो क्लींजिंग करते हैं। सबसे पहले हम फेस वॉश करेंगे अपने गालों को, और एक अच्छा फेस वॉश लेंगे और जेंटल हाथों से उसको क्लीन करेंगे। क्लींजिंग हो गई है, उसके बाद अपने को करना है स्क्रब। स्क्रब आपको डेली नहीं करना है, और उसके आगे मैं जो फेस मास्क भी लगाने वाली हूँ वो भी आपको डेली नहीं करना है, वो आपको वीक में 2 टाइम्स करना है। अगर आप 2 टाइम्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो 1 टाइम्स भी सफिशियंट है, बट आपको इससे ज्यादा नहीं करना है स्क्रब और फेस मास्क। और ये मस्ट भी है, आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते कि आप अगर वीक में करेंगे ही नहीं तो आपकी स्किन पे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो स्क्रब और फेस मास्क अपन देखते हैं और लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन स्क्रब करेंगे। स्क्रब मैंने जरा सा ही लिया है, आप भी इतना सा ही लें। और मैं ये बायो पपाया का बायोटिक का स्क्रब यूज कर रही हूँ। आपके पास जो आप वो यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसमें आइस मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं विदाउट आइस की कर रही हूँ, वो भी अच्छी रहेगी। थर्ड स्टेप में आपको फेस मास्क यूज करना, आप कोई भी होममेड या DIY या फिर मार्केट का फेस मास्क यूज कर सकते हैं। फेस मास्क अपन ने लगा लिया है, उसके बाद अपने को स्टीम लेना है। मैं आपको स्टीम का बता देती हूँ। स्टीम आप अल्टरनेटिव लीजिए, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए। ये जब लीजिए, जब जैसे आपके एक्ने बहुत ज्यादा हैं किसी के, तो वो स्टीम के अंदर जैसे कि थोड़े नीम पत्ते या नीम पाउडर मिला के स्टीम ले सकते हैं, उनके काफी ज्यादा जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपकी एक्ने स्किन या ब्लेमिश स्किन नहीं है तो आप स्टीम वीक में 2 टाइम्स जरूर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा आपकी डेली स्टीम आपकी स्किन को हार्म कर सकता है, पर वीक में 1 या 2 टाइम्स ये आपकी स्किन को ग्लो देगा और अंदर की इम्प्यूरिटीज को फिनिश करेगा। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। मैंने इसको रेगुलरली, आप ये नहीं बोल सकते, 3 मंथ्स तक फॉलो किया था, तब जाके मुझे इसका रिजल्ट देखने को मिला था। स्टीम के बाद अपने को नॉर्मल प्रोसेस करनी है, टोनिंग, सीरम और मॉइस्चराइजर, और उसके बाद आप सो जाइए और आपकी स्किन को देखना कि आप कितना अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा जब आप मॉर्निंग में उठेंगे और अपनी स्किन को देखेंगे। उसके बाद अपने को टोनिंग करनी है, तो अपन जरा सा टोनर ले लेते हैं और वो जेंटली टोनिंग के बाद अपन सीरम लगाएंगे। सीरम बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बिल्कुल मत भूलना।
और स्किप भी मत करना कि सीरम नहीं है, आप DIY सीरम बना दीजिए वो यूज कीजिए, बन सीरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी स्पेशली एक्ने और ब्लेमिश स्किन है उनको तो बहुत नीड है, वो इनकी स्किन को बहुत इम्प्रूव करेगा और टेक्सचर में अपने को बहुत अपने को मिलेगा। सिर्फ ओनली एक टप बूंद लेनी है अपने को और वो आप हल्के सीरम के बाद आप अगर मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई नाइट स्किन केयर मॉइस्चराइजर हो तो ही यूज करें, डे वाला जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं वो यूज मत कीजिए, उससे इफेक्ट नहीं बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरे पास तो नाइट जेल है सो मैं ये यूज कर रही हूँ। गाइज मैंने पूरा रूटीन शेयर कर दिया है और मैं 100% श्योर हूँ कि ये जिस तरीके से मेरे पे इफेक्टिव था ये आपके ऊपर भी इफेक्टिव होगा। बस इसी तरीके से इसको बिना विदाउट चीटिंग अच्छे से करते रहिए। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज।